तो दोस्तों इस हीटर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कनस्तर टिन कनस्तर का टुकड़ा लिया, जिसको मैंने कुछ इस तरह के यू शेप में फोल्ड किया और मैंने इसके चारों ओर के कॉर्नर को मोड़ दिया ताकि इससे हमारे हाथों में या फिर अगर हमारे बॉडी या किसी भी चीज़ से टच हो तो इंजरी ना हो। अगर इसको आप नहीं मोड़ते हो तो ये बहुत तेज़ मधार के साथ रहता और उससे हाथ वगैरह कट सकती है, तो इसलिए मैंने चारों ओर से इसको फोल्ड कर दिया है। अब मैंने इसके दोनों साइड पर होल किए। मैंने ये होल इसलिए किए क्योंकि हम इसके ऊपर जो नेट लगाएंगे वो मेरे को नेट मार्केट में नहीं मिला, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल वायर की मदद से उस होल से कनेक्ट करके इसमें एक नेट टाइप का बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ये हमारा जो मेन इसका बॉडी है वो इस तरह से तीन कनेक्शन से बनकर रेडी हो चुका। अब जो इसके नीचे वाला हिस्सा है उसमें मैंने थोड़ा अंदर दो होल किया दोनों साइड से। ये होल मैंने इसलिए किया है ताकि इसी जगह से हम इन दोनों जो मैंने तीन कनेक्शन का स्टैंड टाइप का बनाया इन दोनों को हम स्क्रू की मदद से यहाँ पे टाइट करेंगे और इसी के ऊपर जो हमारा हीटर का एलिमेंट होगा उसको लगाएंगे। तो दोस्त अब हमें इन दोनों जो हमने स्टैंड छोटा छोटा बनाया टीन के टुकड़े का इन दोनों को स्क्रू की मदद से इसमें अच्छे से टाइट कर देना है। आप चाहे तो छोटे से नट बोल्ट की मदद से भी इसमें टाइट कर सकते हो। तो यहाँ मैं अच्छे से इसको टाइट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको बिल्कुल अच्छे से फिक्स करने के लिए इस पर सुपर ग्लू लगा कर इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि ये ऐसे अच्छे से टाइट नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसको भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते टाइट मैंने कर दिया, फिर भी ये थोड़ा सा लूज है, तो मैं इसको सुपर ग्लू से अच्छे से फिक्स कर देता हूँ, फिर हम इसमें एलिमेंट लगाएंगे। तो दोस्त ये दोनों को मैंने अच्छे से इसमें फिक्स कर दिया है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें जो वायर इंटर करना है उसके लिए इसमें होल करना है जिससे कि हम वायर को अंदर लाएंगे। तो जो हमें इसमें होल करना है वो होल हमें जो हमने इसमें जो छोटे छोटे टीन के टुकड़े लगाए हैं उसके ठीक पीछे करना है और उसको होल से इस वायर को बाहर निकाल लेना है। यहाँ जो वायर मैं यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा हैवी वायर यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो एलिमेंट है हीटर का वो अप्रॉक्स 500 वॉट का है, तो उसके लिए थोड़ा हैवी वायर चाहिए ताकि वो अच्छे से लोड को झेल सके। तो दोस्त यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसके दोनों साइड से होल कर दिए। अब हमें इन दोनों होल से वायर के दोनों सिरों को बाहर निकाल लेना है, तो मैं फटाफट दोनों को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ मैंने वायर को बाहर निकाल लिया। अब दोनों वायर में एक एक गांठ लगा देनी है ताकि वायर बाहर से खींचने पर ये बाहर ना निकले। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने दोनों वायर में गांठ लगा दिया है। अब वायर तो हमने इसमें सेट कर दिया। अब हम इसमें एलिमेंट कौन सा यूज करने वाले हैं और मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का जो हीटर एलिमेंट आता है वो यूज करने वाला हूँ। सॉरी, ये हीटर रॉड है, एलिमेंट नहीं। एलिमेंट जो स्प्रिंग वाला होता है वो होता। तो इसके दोनों सिरे पर मैंने छोटे छोटे वोल्ट टाइप के लगा दिए जिससे कि मैं वायर को कनेक्ट करने वाला हूँ। और आप यहाँ सोल्डिंग मत करना क्योंकि जब ये हीट होगा गर्म होने के बाद तो सोल्डिंग खुद निकल जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से ऐसे ही वायर को लपेट देना है। उसके बाद दोनों सिरों पर वायर को लगाने के बाद अब हमने जो इसमें दो छोटे छोटे कनस्तर के टुकड़े लगाए हैं उसके ऊपर इसको फिक्स करना है। लेकिन अगर डायरेक्टली हम इसको फिक्स तो इससे इसके पूरे बॉडी में करंट चला जाएगा जिससे कि ये डेंजर हो सकता है, तो इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है। तो दोस्त उसके लिए आपको इस तरह का एमसील का छोटा सा जो पैकेट आता है वो लेना और इसके अंदर आपको दो छोटे छोटे टॉफी के जैसे अलग अलग कंपोनेंट मिलते हैं, तो दोनों को आपस में मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपको इसके जो वायर कनेक्शन है उसके ऊपर अच्छे से लगा देना है ताकि वायर उससे बाहर ना दिखे और अगर हम उसको टच भी कर ले इसके लगाने के बाद तो वायर से हमारा फिंगर टच ना हो, क्योंकि जो एमसील होता है वो वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ और इलेक्ट्रिक प्रूफ होता है, तो ये बिल्कुल सेफ रहेगा और ये जुगाड़ अच्छे से वर्क करेगा। तो मैं फटाफट दोनों को मिक्स करके इस पर लगाता हूँ, तब तक के लिए मैं अपनी चोंच बंद करता हूँ। तो यहाँ मैंने एक साइड पर अच्छे से एमसील लगा दिया, इसी तरह से मैं दूसरे साइड पर भी लगा दूंगा और इसे सूखने के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो अप्रोक्स मैंने पूरी रात इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था, तो ये अब बिल्कुल अच्छे से मजबूत हो चुका है। ये आप देख सकते हो ये थोड़ा भी हिलडुल नहीं रहा, तो ये तो बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर सेफ्टी के लिए जो नेट लगाना है वो पहले लगाना पड़ेगा, तो फिलहाल तो वो मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही टेस्ट करके दिखा दूंगा। और इसके स्टैंड के लिए मैंने ऐसे ही कनस्तर का टुकड़ा लिया और उसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों टुकड़े को इस तरह से हम रख कर सुपर ग्लू से या फिर छोटे से नट वोल्ट की मदद से इसको टाइट कर देंगे।
जिससे कि ये दोनों आपस में अटैच हो जाएगा और स्टेन की तरह वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों को फेविक्विक की मदद से और उस पर थोड़े से मैंने जो सैंड पेपर पर जब पीवीसी को रफ करते तो उसका डस्ट निकलता है उसको डालकर बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दिया। तो ये बिल्कुल अच्छे से मजबूत हो चुका है। तो ये तो बनके रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम टेस्ट कर लें। लेकिन आप इस पे बिना सेफ्टी नेट लगाए इसे कभी यूज मत करना क्योंकि बहुत डेंजर हो सकता है। तो अब मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कितना देर में हीट होता है और ये कितना ज़्यादा हीट होकर रेड हो जाता है। तो आप देख सकते हो ऑन करने के 2-3 सेकेंड बाद ये पूरा रेड होकर स्टार्ट हो चुका है। अब ये बिल्कुल अच्छे से हीट प्रोड्यूस कर रहा है। आप चाहो तो ऐसे बड़ा हीटर बना सकते हो और उसमें 2 एलिमेंट लगा सकते हो क्योंकि वो 2 लगाने के बाद भी अप्रोक्स 900 to 1000 वाट का होगा जो कि 1 घंटे में 1 यूनिट खाएगा। तो ये अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्त इस तरह से आप इस तरह के हीटर को अपने घर पे बना सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाइक जरूर कर दे और चैनल पर पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियो देख सकूँ।